ऐसे बेहतरीन और धमाकेदार बॉलीवुड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा मूवी हब को और बेल आइकन को दबाएं। अरे विजू, ये ले पूरे 2 लाख हैं। घनश्याम जी की दुकान पे जाना, जेवर तैयार हो गए होंगे। जी भाभी। अच्छा सुन, जेवर लेके सीधा घर ही आना, घर की इज्जत की बात है। तुझे तो पता है भैया ने कितनी मुश्किल से पैसे जुटाए हैं। मुझे पता है भाभी, चलता हूँ। जल्दी आना। ये तो तेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ। राम कसम, अगर मेरी हैसियत 2 लाख की होती तो मैं यूं उठाकर दे देता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, भैया इतने कम वक्त में रुपयों का इंतजाम करेंगे भी तो कहां से। हाँ ये बात भी ठीक है, तुम्हारा घर भी तो किराए का है। एक काम कर, तू पार्टी देख, मैं ये क्लब गिरवी रख देता हूं। नहीं बाबू भाई, तुमने इतना कह दिया काफी है। तो मैं क्या करूं, यहाँ घर की इज्जत का सवाल है। अगर कहीं ये शादी रुक गई ना तो अनर्थ हो जाएगा। पहले तेरे भैया को एक अटैक पड़ चुका है। एक रास्ता है विजय, काम भी नेक है और तेरा काम भी हो जाएगा। बाबू भाई मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। किसी का खून करना है। बाबू भाई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने सोचा मैं इतना नीच हूं। अरे तो मैं किसी धर्मात्मा के खून की बात नहीं कर रहा, वो नारू है ना, उसी को मरवाने की सुपारी निकली है। कुट्टी ने 5 लाख का डिमांड किया पार्टी से, अपन 3 लाख में पटा सकते हैं। तेरी बहन की शादी भी निपट जाएगी और मैं भी अपने छोटे मोटे खर्चे निपटा लूंगा। हाँ मगर किसी का खून। अब ज्यादा मत सोच, नारू एक राक्षस है, लोगों की जिंदगी से खेलना पेशा है उसका। एक पूरे कमजोर आदमी को मारकर उसके घर पे कब्जा करके उधर से मौत का धंधा करता है वो। पुलिस कोर्ट कहीं पर उसके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं हो सकती। अगर कुट्टी ने कहीं सुपारी ले ली। लेकिन बाबू भाई मुझसे खून नहीं होगा। देख जल्दी कर, नारू को मारकर इस शहर का उद्धार करेगा तू, कुछ मत सोच। नारू जैसे रावण के अंत के लिए हर युग में राम का जन्म होता है, तू राम बन जा। नहीं ये मुझसे नहीं होगा। होगा राम कसम, जरूर होगा। शादी का मुहूर्त अगले बुधवार का निकला है। देखिए मेहताजी, शादी 1 साल के लिए रोकनी पड़ेगी। क्या कह रहे हैं आप, शादी 1 साल बात करेंगे? सक्सेना जी, रिश्तेदारी में हमारा मजाक बन जाएगा। देखिए वो पूरा इंतजाम था हमारे पास, लेकिन कुछ हादसा हो गया इसलिए अब पैसे का बंदोबस्त करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त तो चाहिए। आप मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अगर आप में हैसियत नहीं है तो आपने हाँ क्यों की थी? आप समझ क्यों नहीं रहे? मैंने आपसे कहा ना कि पूरा इंतजाम था हमारे पास, वो रुपए विजय के हाथ से छिन गए। अब 2 लाख रुपए की रकम कोई कम तो होती नहीं है। आप हमारी मजबूरी क्यों नहीं समझ रहे? हम थोड़ी चाहेंगे हमारी लड़की घर में बैठी रहे। शादी के लिए आपको जल्दी थी इसलिए हमने हाँ कर दी। बहुत हो गया आप लोगों का ये तमाशा, मैं अभी और इसी वक्त इस संबंध को तोड़ता हूँ। ऐसा मत कहिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं प्रीति नहीं, इनके संबंध तोड़ने से मेरी बहन कुंवारी नहीं बैठी रहेगी। अच्छा हुआ मुसीबत के वक्त में मेहता जी की असलियत का पता चल गया कि मैं किस कमीने आदमी के घर अपनी बहन को भेज रहा था। सक्सेना जी, भैया दफा हो जाइए यहाँ से, दफा हो जाइए यहाँ से, मैं आपको 1 मिनट भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या बड़े भैया? भैया क्या हो रहा है आपको? रुचु डॉक्टर को बुलाओ। भैया भैया सुमन, विजू आया था? नहीं तो कहाँ चला गया? हेलो
भैया आप, भैया 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 बस मुझे ये बताओ कि उसने अपनी आंखों से विजय को देखा या नहीं। बिल्कुल देखा के भाई, बिजली की कौन में लपालप चेहरा देखा अपने दुलारे भाई का। वाह बाबूराम वाह, तो वो नारू खत्म हो गया जो कभी पैदा ही नहीं हुआ था। बस यही चाहता था मैं कि प्रोफेसर खुद अपने पर वार करते हुए अपने भाई को अपनी आंखों से देखे। अब अगर विजय जिंदा बच भी गया तो फांसी के फंदे से नहीं बच सकेगा। चक्कर ने फोन करके आपको तुरंत बुलाया था। यह फोन खुद टक्कर ने किया था। देखिए आपके घाव से यह तो साफ है कि उस आदमी ने आप पर बहुत नजदीक सवार किया है। क्या आप उस आदमी को पहचान सकते हैं? ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं आप, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बोलिए ना। डॉक्टर, डॉक्टर, भाभी, भैया, डॉक्टर साहब कैसे हैं वो, क्या हुआ उनको, ठीक तो है ना वो? घबराइए नहीं, उस किस्म का कोई खतरा नहीं। मगर वो बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? मिस्टर निर्भय बोलने की ताकत खो चुके हैं। अभी देखिए, खून काफी बह जाने की वजह से दिमाग की ब्रोकास एरिया, जहां से बोलने की ताकत का नियंत्रण होता है, उस एरिया की ब्लड सप्लाई बंद हो गई है। उसी वजह से उनके साउंड बॉक्स पर असर हुआ है और आवाज चली गई है। मगर सही ट्रीटमेंट देने पर धीरे धीरे ब्लड सप्लाई चालू हो जाएगी और आवाज आ जाएगी। मगर कब? टाइम पीरियड के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं उनसे कब मिल सकता हूँ? फिलहाल उन्हें होश में आने में करीबन 4 घंटे लग जाएंगे। ठीक है वर्मा। यस सर। आसपास नजर रखो, मैं बाद में आता हूँ।
भैया भैया ये सब साजिश है किसी की। पहले मुझसे जेवर के रुपए छीन लिए गए, मैंने बहुत ढूंढा उस आदमी को लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। ये बात मैं आपको कैसे बताता, घर की इज्जत दांव पर लग गई थी। शायद उसे बचाने के लिए आपको किसी के सामने सर झुकाना पड़ता, मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। पैसे के लिए मैं कुछ भी कर गुजरने को तैयार था और किसी ने मेरी हालात और बेबसी का फायदा उठाया। धोखे से मेरे हाथों आपको बरमाने की कोशिश की किसी ने और मैंने ये क्या किया। पागल दिल छोटा मत कर, तेरे भैया की आवाज हमेशा के लिए थोड़ी गई है। डॉक्टर ने कहा है धीरे धीरे आवाज आ जाएगी। भाभी मैंने होमवर्क भी कर लिया है और दूध भी पी लिया है और मैं उनको तंग भी नहीं करती, बोली ना पापा, उनसे बात कीजिए ना पापा। पापा मैं आपकी हर बात मानूंगी। पापा बोलिए ना पापा। पापा आप मुझसे बात कीजिए ना। मम्मी पापा के सबसे नाराज हैं। नहीं बेटे, नहीं बेटा, तेरे पापा किसी से नाराज नहीं है, हम में से किसी से भी नाराज नहीं है। एक बेदर्दी ने इनकी आवाज छीन ली, इसी वजह से हम सबकी आंखों में आंसू है। हे भगवान, उसे कभी सुखी नहीं रखना जिससे तेरे पापा की आवाज छीने, उसे कभी। पुरानी रोशनी में और नई में फर्क इतना है, उसे कश्ती नहीं मिलती, इसे साहिल नहीं मिलता। एक बात तो साहस के साथ मैं कहूंगा कि बहाव भटक सकता है, बहक सकता है, दिशाहीन हो सकता है, लेकिन बहाव ही कुछ बदल सकता है, क्रांति ला सकता है, पड़ाव नहीं। जमीन अपना आकाश पैदा कर, अपना अलग एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से जिंदगी कब मिलती है दोस्त, अपने हर कदम में एक नया विश्वास पैदा कर।
चले गए। इसे रख दो। इंस्पेक्टर भाटकर बोल रहा हूं। हाँ इंस्पेक्टर, मैं ठक्कर, हरीश ठक्कर बोल रहा हूं, प्रोफेसर निर्भय सक्सेना का दोस्त। मिस्टर ठक्कर बोलिए, कहां से बोल रहे हैं आप? देखिए इंस्पेक्टर, आप पहले मेरी बात अच्छी तरह सुन लीजिए, वरना वो लोग किसी भी वक्त मुझ तक पहुंच सकते हैं। आप मुझे जल्दी बताइए, बोल कहां से रहे हैं? मैं यहाँ अक्सा गांव माडर से बोल रहा हूँ। अरे यस सर, फॉरन पेट्रोलिंग तेरे को कवर करो, अक्सा गांव मोड़ स्पॉट करें जल्दी। यस सर। हाँ बोलिए मिस्टर ठक्कर। इंस्पेक्टर साहब, मुझे धमका कर निर्भय को मेरे घर बुलवाने की साजिश रची गई थी, उन लोगों ने मेरे सर पर रिवॉल्वर रखी थी। मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो दोस्त है मेरा, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। डायल नंबर घुमा 626-3107 और जैसा कहा है वैसा बोल, नहीं तो तेरा सर। हाँ निर्भय, मैं ठक्कर बोल रहा हूं। घबरा के नहीं, घबरा के नहीं। देखो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम फौरन मेरे घर आ जाओ। इंस्पेक्टर साहब, मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भाग रहा हूं। ओवर ठक्कर, डाल साले को कड़े में। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो छोड़ो मुझे। हेलो, उधर जाओ। हेलो, क्या पुलिस? ठीक है ठीक है। हाँ